अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अतीक। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बेकिंग ओवन का रिव्यू शेयर करने लगी हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। चलिए फिर, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मुझे इस बेकिंग ओवन के साथ क्या क्या चीज़ें मिली थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम ये जो चीज़ें मिली थी इन्हें ओवन में यूज़ करते हैं। और ये वेस्ट पॉइंट का जो ओवन है, इसकी प्राइस भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। और ये ओवन बेक भी कर सकता है, ग्रिल भी कर सकता है, और इसमें हम बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा वेस्ट पॉइंट का बेकिंग ओवन। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका 250 तक टेम्परेचर दिया गया हुआ है, और इसमें दो फंक्शंस हैं। एक इसमें फ़ैन का फंक्शन दिया हुआ है, और दूसरा इसमें रॉड का फंक्शन दिया हुआ है, और तीसरा इसमें टाइमर का फंक्शन दिया गया है कि आप किस चीज़ को कितने टाइम तक बेक करना चाहते हैं। और जो इसमें टेम्परेचर है, वो अगर आप अपनी मर्ज़ी सेट करना चाहते हैं, अगर 200 तक रखना चाहते हैं या 250 तक रखना चाहते हैं। और उसके बाद ये फ़ैन का फंक्शन है। इसको हम अगर राइट साइड पे करेंगे तो ऊपर वाला फ़ैन ऑन हो जाएगा, और अगर हम नीचे वाली साइड पे करेंगे तो नीचे वाला फ़ैन ऑन होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो दोनों फ़ैन ऑन हो जाएंगे। और जब भी आप, हमेशा याद रखें, फ़ैन को उस वक्त ऑन करना है जब आप बेकिंग स्टार्ट करेंगे, जब आपने ओवन को प्रीहीट करना है उस वक्त आपने फ़ैन ऑन नहीं करना। और फिर उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है रॉड का, और इसे भी हम राइट साइड पे करेंगे तो ऊपर वाला ऑन होगा, और जब नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो नीचे वाला रॉड ऑन होगा, और लेफ्ट साइड पे करेंगे तो दोनों रॉड ऑन हो जाएंगे। और रॉड को भी हम बेकिंग में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो, जब केक वगैरह हम बेक कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाए, और पिज़्ज़े को भी ऊपर से क्रिस्पी करने के लिए या ब्राउन कलर देने के लिए, चिकन वगैरह, ग्रिल वगैरह को भी ऊपर से कलर देने के लिए हम रॉड का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैंने कोई चिड़का वगैरह बनाना है तो ये फॉर्क जो मुझे इसके साथ मिले हैं, ये देख सकते हैं आप, मैंने एक साइड से इसको यूँ इसमें डाल दिया। जब आपने एक साइड से इसको इस तरह डाल देना, आपने डिस्टेंस खुद सेट करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो फॉक्स मैंने लगाए हैं, मैंने इतना समझे फासला रखना है जो मेरे चिड़का वगैरह मैं बना रही हूँ। तो मैंने फॉक्स को सिक्योर से टाइट भी कर दिया है, तो मैं ये जो डिस्क मुझे मिली है उन्हें मैं इस तरह से आपको सेट करके बताती हूँ। ये देखिए आप, इस तरफ वाली जो डिस्क है उसको इस साइड पर रखना है आपने। कोई बारबेक्यू बनाना है, किस तरह से ये डिस्क में सेट करूँगी, इसमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। और ये देखिए आप, सबसे पहले मैं ये वाली साइड इस तरफ डालूँगी, और इसको जब ये साइड इसमें मैं डाल दूँगी तो ये वाली साइड को मैं इस तरह रखूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने सिक्योर की मदद से ये डिस्क को टाइट कर लिया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने पहले साइड को इसमें डाला, और फिर ये यूँ रख के, यूँ देखिए आप, यूँ रख के इसको इस तरह से करके ये टाइट कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि मैंने ये सारी जो स्क्वायर को इस तरह से सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं ये वाली साइड डाल रही हूँ, जब भी आप बारबेक्यू करेंगे तो ये रॉड की मदद से इस तरह से घूल घूमेगा, और आपका बारबेक्यू इस तरह से तैयार हो जाएगा। या जब जिस तरह आप फोक पे लगा के चिकन को करेंगे, तो अगर चिकन रोस्ट करना चाहते हैं, आप चिड़का बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस रॉड की मदद से यूँ घूमेगा, और आपका ज़बरदस्त चिकन चिड़का जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये जो छोटे वाला हैंडल है उसको हम यूँ करके यूँ पकड़ सकते हैं, और इसको बड़े हैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये जो ट्रे है, इस तरह आप कुकीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो इस ट्रे को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बटर पेपर लगा के बड़ा वाला हैंडल है, उसकी वजह से आप जब आप कोई केक या पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं तो यूँ इस तरह से इस हैंडल की मदद से पिज़्ज़ा या केक बाहर निकाल सकते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि आप जब भी पिज़्ज़ा या केक वगैरह बेक करना है तो आपने इसमें तीन साइड दी गई है ना, ये सबसे ऊपर वाली और नीचे वाली, अपना पिज़्ज़ा या केक ये दरमियान वाली साइड में यूँ रख देना इस
तरह से आपको ऊपर से भी अच्छी तरह से हीट मिलेगी और उसको नीचे तरफ से भी अच्छी तरह से हीट मिलेगी। तो ये था मेरा आज का फर्स्ट पॉइंट का बेकिंग ओवन का रिव्यू, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँगी। तो ये मैंने 17,000 का लिया है और आज से 4 months पहले, और मैंने इसमें एक बार पिज़्ज़ा भी बेक किया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बताऊंगी कि हम किस इसमें पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हैं।